दिनों डीप फेक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इससे प्रधानमंत्री भी नहीं बच सके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को चिन्हित किया। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के दिवाली मिलन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पत्रकारों को संबोधित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया। लेकिन एक चिंता का विषय है जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जैसी सोसाइटी जो विविधताओं से भरी है, जब पहले मूवी आते थे एकाध कहावत उस मूवी में आ जाए, आती थी चली जाती थी, आज एकाध कहावत आ जाए तो पूरी मूवी चलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाता है कि तुमने उस समाज का अपमान किया, वो किया, ढिकना किया, वो उसने अरबों खरबों करोड़ों रुपया कुछ भी खर्च किया, वो कोई पूछने वाला नहीं है, तुम जवाब दो तुमने क्या किया, ये हाल है। ऐसे में आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ, तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे, तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इससे कैंसरस, पीना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हजार है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है, तो वहां एक आना चाहिए इट्स अ डीप फेक, फिर उसको देखें, आनंद करें, जो करना है करें, लेकिन उस पर आना चाहिए। उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल्स का प्रयोग करके जब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई हैरान रह गया था। पीएम मोदी ने बताया कि मैंने भी अपना एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबा खेल रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये डीप फेक वीडियो था।